ये रहा नज़ारा डबल डेकर ब्रिज के ठीक सामने का, ये एक और ये रहा दूसरा। आप देख सकते हैं हमारा स्टे उस वाले बिल्डिंग में। दिस इज सिपारा होम स्टे, हम इसी पे स्टे किए। सो गाइस, दिस इज तिरना विलेज और आपकी ट्रैकिंग इस विलेज से स्टार्ट होती है टुवर्ड्स लिविंग रूट ब्रिज, और ये ट्रैक कंप्लीट करने में आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे फ्रॉम तिरना विलेज टू नगरियाड विलेज, जहां आपका डबल डेकर ब्रिज सिचुएटेड है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और शाम को 4:30 हो रहे हैं और हम लिविंग ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ये भैया हमारे गाइड हैं। क्या नाम है भैया आपका? टॉय बॉन। ओके, भैया का नाम टॉय बॉन है, ये हमारे गाइड हैं आज के मेपा होम स्टे। सो गाइस, ये मेपा होम स्टे है, आपको ऑनलाइन दिख जाएगा ये होम स्टे। सो गाइस, अगर स्टेप्स काउंट की बात करें 2100 स्टेप्स आपको सिंगल रूट ब्रिज के लिए लगेंगे और 3600 स्टेप्स डबल डेकर ब्रिज के लिए लगेंगे। लो गाइस, हाउ स्टिफ, कितना खड़ा चढ़ाई है। हम लोग को वहां जाना है, चलिए। That is our accommodation. How far it is? It's not even far. अभी यहाँ से 1 घंटा और लगेगा हमें अपने होम स्टे पहुँचने के लिए, डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए। सो फाइनली आफ्टर दैट विलेज हमारा 2000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा। मैम, हम 2000 स्टेप्स के करीब पहुँच गए। सो दिल थाम के यहाँ आए, क्योंकि दिल बहुत बड़ा चाहिए यहाँ आने के लिए। लोग के साथ साथ सीढ़ियाँ जवाब मांगती है सवाल पूछ के। सो फाइनली हमने 2000 स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं। ये 2000 स्टेप्स। सो गाइस, दिस इज नोंगथिमाई विलेज। इस विलेज में आपको सिंगल रूट ब्रिज मिलेगा, बस इस पॉइंट से आपको राइट टर्न लेना है। हमने लेफ्ट टर्न लिया क्योंकि रिटर्निंग के समय हमारा प्लान विजिट करने का था। ऐसे छोटे छोटे शॉप सब रास्ते पे मिल जाएंगे जब आप नीचे आओगे। सो गाइस, जब पानी वानी के लिए, अगर पानी वानी लाना भूल गए तो उतनी सोचने वाली बात नहीं है, गजब लग रहा है। सो हेयर वी फाइंड अ चर्च, और ये गांव का एक चर्च है। अगर आप शाम में अगर नीचे जा रहे हो तो गाइड ज़रूर से लें, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और को एक्चुअली में पता भी नहीं है ना किधर जाना है कैसे जाना है। ये पेड़ कौन सा है? सुपारी। अच्छा, ये सुपारी का पेड़ है भैया, आइए और सुपारी का मजा लीजिए। इस पॉइंट के बाद फाइनली वो पल आ जाएगा जब आप भांति भांति के ब्रिज के ऊपर चलने का अनुभव करिएगा। मजा आ गया इस ब्रिज में चढ़ के। This is how the bridge is. कितना? 3 3 3 3 3 अच्छा, क्या बात कर रहे हैं रे बाबा।
सीरियस में चढ़ाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हंसते खेलते जोक में चढ़ाई करिए, चढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारा स्टे उस वाले बिल्डिंग में है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी हमें वहाँ तक जाना है, सो लेट्स गो। जब आप ट्रैक कर रहे होंगे तो बीच में एक आयरन रोड का ब्रिज आएगा, उसके बाद से चीज़ें थोड़ी आसान होने लगेगी अगर आप नीचे आ रहे हैं तो, उसके बाद उतने स्टिफनेस नहीं है, आप आराम से आ जाएंगे। Few moments later. ऐसे हमें लगा था कि चीज़ें आसान होने लगेंगी लेकिन एकदम गलत लगा था, और सीढ़ियाँ, बस सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। आपके पूरे ट्रैक में एक वार्निंग बोर्ड मिलेगा, नो विजिटर्स आर अलाउड टू एंटर इनसाइड ऑन संडे, क्योंकि ऑलमोस्ट पॉपुलेशन यहाँ की क्रिश्चियंस हैं एंड अकॉर्डिंग टू बाइबल संडे रेस्ट का दिन होता है, सो पीपल अराउंड हियर इस दिन चर्च जाते हैं, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं, इसलिए इस दिन बंद रहता है। अगर आप इतने दूर मेरे साथ आ गए हो तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको सीढ़ियों से प्यार है तो इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि शेयरिंग केयरिंग बहुत अच्छी तरह से इन सीढ़ियों को आता है। सो फाइनली घर और दुकान सब दिखने लग गए, यह एहसास होने लग गया है कि लोग यहाँ रहते हैं। गाइज, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लिविंग रूट ब्रिज। इस लिविंग रूट ब्रिज को देखते ही आपका एनर्जी लेवल फिर से वापस आ जाएगा, जितने भी स्टेप्स आप चल के आए हो ना सबका हिसाब क्लियर हो जाएगा। वो देखिए मेन जो डबल डेकर ब्रिज है वहाँ पे, ना खिसा रे मैया, ना खिसा दो, यहीं का सेटिंग लगाए थे लेकिन हो नहीं पाया। तो गाइस हो रहा हमारा होम स्टे और फाइनली हम पहुंचने ही वाले हैं। अरे तभी से फाइनली हो रहा है, दो आदमी कितना है क्या? नो GoPro, नो कैमरा, नो कैमरा, मोबाइल ओनली, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नो, इट विल कम और नॉट। GoPro और कैमरा का चार्ज लगता है, कितना लगता है? ये तो लिखा है 100 रुपये। पानी देखो ना अलग से चमक रहा है, सफेदी। सो गाइस दिस इज द व्यू फ्रॉम डबल डेकर ब्रिज at night. Few hours later. और ये रहा नज़ारा डबल डेकर ब्रिज के ठीक सामने का, वो ऊपर से झरना गिर रही है और ये नीचे आ रही है और इसके। सो गाइज दिस इज सिपारा होम स्टे, हम इसी पे स्टे किए हैं और ठीक इसके सामने जस्ट आप देखिए, मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से रूफ ब्रिज कितना दूर है। बस इसको ऐसे मुड़ना है और सामने ये रहा डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जस्ट 10 से 15 कदम दूर ये एक और ये रहा दूसरा। देखिए कैसे इसका रूट्स जो है एक दूसरे से मिलके ये ब्रिज को बनाया है।
सो गाइस, दिस इज सिपारा होम स्टे। सम टाइप ऑफ पकौड़ी, सैलड, बीन्स, एक फ्लोर में इतना रूम है, एक दो और एक तीन, वो दो बाथरूम्स है। चारों तरफ पहाड़ है।